अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं अलमारिया बैंक अकाउंट ऑनलाइन ओपन करने जा रहा हूँ। आप में से बहुत सारे लोग जो यहाँ पर यूएई के अंदर अपना बैंक अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, वो सैलरी कम होने की वजह से वो यहाँ पर अकाउंट ओपन नहीं कर सकते। इस अकाउंट में आप जो है, अगर आपकी सैलरी मिनिमम 500 दिरहम भी है, तब भी आप इसमें अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इसमें अपनी कैश विदड्रा और डिपॉजिट भी कर सकते हैं। और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपको इसका एक वर्चुअल बैंक कार्ड मिलता है। तो आगे चलकर इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि इसमें आप अपना अकाउंट जो है वो कैसे ओपन कर सकते हैं और अपना जो कार्ड है वो कैसे एक्टिव कर सकते हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की और भी वीडियो आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले गाइस, आपने प्ले स्टोर से एम बैंक ऐप जो है इसको आपने डाउनलोड कर लेना है। मैंने ऑलरेडी इसको डाउनलोड किया हुआ है, तो मैं इसको यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। तो इसका ऐप का जो इंटरफेस है वो इस तरह से आपको दिखेगा, और आपने यहाँ नीचे ओपन अकाउंट, इस पर आपने इसको यहाँ पर क्लिक कर लेना है। तो ये आपके सामने दो ऑप्शन इसके से नजर आ रहे होंगे, साइन अप विद यूए पास, साइन अप विद एमरस आईडी। तो आपके पास दो ऑप्शन है, आप यूए पास से भी इसको रजिस्टर कर सकते हैं। अगर आपके पास एमरस आईडी है तो एमरस आईडी के जरिए भी आप इसको रजिस्टर कर सकते हैं। इसके सिंपल चार स्टेप हैं। फर्स्ट स्टेप में आपने यूजर नेम पासवर्ड वगैरह आपने इसमें फिल करना है। सेकंड, आपने इसमें अपना एमरस आईडी या यूए पास इसमें वो सारी डिटेल आपने इसमें फिल करनी है। थर्ड पे आपने इसमें पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपने इसमें फिल कर लेनी है। और लास्ट पे आपने अपना अकाउंट सेलेक्ट करना है। इसमें आप दो तरह के अकाउंट ओपन कर सकते हैं, करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट। तो अगर आप सेविंग अकाउंट करना चाहते हैं तो सेविंग कर सकते हैं, और करंट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो वो भी आप यहां से सेलेक्ट कर। तो मैं यहां पर अभी इसको स्टार्ट पे क्लिक करूंगा। तो ये एग्रीमेंट है, आपने इसको एग्री करना है नीचे, और यहां पर आपने अपनी पूरी डिटेल जो है फिल कर लेनी है। मैं इसमें अपनी डिटेल जो है यहां पर फिल कर लेता हूं। यहाँ पर आपने अपना मोबाइल नंबर जो आपके अभी यूज़ में है वही आपने फिल करना है। और नीचे आपने ईमेल आईडी जो है वो आपके जो अभी इस टाइम आपके मोबाइल में ऑन हो वही आपने ईमेल आईडी भी यहाँ पर इसमें फिल करनी है। तो आपने ईमेल आईडी देने के बाद मैं यहाँ पर इसको टर्म एंड कंडीशन है इसको मैं एग्री कर देता हूँ यहाँ पर। तो नेक्स्ट इसको मैं कंटिन्यू करूँगा, और वन टाइम पासवर्ड मुझे रिसीव हो गया है मेरे मोबाइल नंबर पर, तो वो मैं यहाँ पर फिल कर लेता हूँ। तो नेक्स्ट स्टेप में आपकी जो ईमेल आईडी है वहाँ पर एक वेरिफिकेशन कोड जो है वो रिसीव हुआ होगा। तो मुझे रिसीव हो गया है, तो मैं यहाँ पर जो अपनी ईमेल आईडी है वो ओपन करने के बाद उसको वेरीफाइड कर लेता हूँ। तो वेरीफाई करने के बाद इसको मैं यहाँ पर नीचे कंटिन्यू कर दूंगा। तो नेक्स्ट आपने यहाँ पर यूजर नेम और अपना एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड देना है, और पासवर्ड आप ये देख सकते हैं। तो ये नीचे उन्होंने बताया हुआ है कि इस तरह का जो आपने पासवर्ड है वो एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आपका एक्सेप्ट होगा। तो यहाँ पर आपने जो यूजर नेम है उसको भी आपने सेव कर लेना है। तो मैं यहाँ पर अपना यूजर नेम दूंगा इसमें, और नेक्स्ट जो पासवर्ड है वो आपने यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लिखना है जिसमें आपके अपर केस, लोअर केस और कुछ स्पेशल करेक्टर भी होने चाहिए। तो जब आप ये नीचे जब ग्रीन शो होगा तभी आपका जो पासवर्ड है वो एक्सेप्ट होगा। तो रीटाइप करने के बाद मैं इसको यहाँ पर नेक्स्ट करूंगा, और मेरा जो पासवर्ड है वो क्रिएट हो गया है। तो नेक्स्ट जो स्टेप है उसमें ये आप देख सकते हैं, आपने इसको अलाउ बायोमेट्रिक आईडी इस पे क्लिक करना है। तो इसको आपने यहाँ पर मैं इसको क्लिक कर दूंगा, ओके। तो नेक्स्ट जो स्टेप है उसमें आपने अपनी एमरस आईडी जो है उसको आपने स्कैन करना है। तो जब इस पे आप नेक्स्ट करेंगे तो नीचे आपके सामने शो हो रहा होगा। सबसे पहले आप एमरस आईडी के जो फ्रंट पेज है वो आपने इसको स्कैन करना है। उसके बाद आपने आपके सामने एक सेकंड जो ऑप्शन आएगा उसमें आपने अपने एमरस आईडी का जो बैक पेज है वो आपने इसको स्कैन करना है। और इसके बाद थर्ड स्टेप में आप जो है वो सेल्फी एक अपने लेनी है। उसके बाद आपका जो स्टेप टू जो है वो आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। तो जो लोग यूए पास से इसको रजिस्टर करना चाहते हैं वो यूए पास से भी आसानी के साथ इसको रजिस्टर कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर अब यूए पास से इसको रजिस्टर करूंगा, क्योंकि मेरा ऑलरेडी वहाँ पर अकाउंट बना हुआ है यूए पास का, तो मैं उसी से यहाँ पर रजिस्टर इसको करूंगा। तो उसका सिंपल स्टेप यही है, आपने जब उसको ओपन करना है तो आपने यूए पास से इसको रजिस्टर करना है। जो आपके सामने दो ऑप्शन पहले ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, उसमें जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है यूए पास, उससे आपने इसमें लॉग इन हो जाना है। आपको यहाँ पर ट्रिप वगैरह होने की जरूरत नहीं होगी, जस्ट आपने यूए पास अकाउंट इसमें लिंक करना है। आपका टू है वो वेरीफाइड हो जाएगा, टू है वो आपका कन्फर्म हो जाएगा। उसमें जो यूए पास की जितनी भी डिटेल है वो सारी इस कैप्चर इसको कर लेंगे। तो नेक्स्ट जो थर्ड स्टेप है इसमें पर्सनल इन्फॉर्मेशन है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपने अपनी जो डिटेल है वो आपने सारी फिल करनी है। मैं यहाँ पर इसको कंटिन्यू कर, तो यहाँ पर ये पूरी डिटेल आपने इसमें फिल कर लेनी है। तो यहाँ पर कंट्री ऑफ बर्थ इसको मैं पाकिस्तान कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट स्टेप में आपने यूए में जब आप इंटर हुए हैं फर्स्ट टाइम वो आपने यहाँ पर डेट देनी है इसमें। तो ये नीचे आपने मैरिट स्टेटस के अलावा नीचे आपने जितने भी ये इन्फॉर्मेशन है बिल्कुल आसान है, ये आपने खुद ही यहाँ पर आप रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है जो राइट इन्फॉर्मेशन है वो आपने इसमें दे देनी है, इसको फिल कर लेना है। और इसको मैं यहाँ पर नेक्स्ट इसको कंटिन्यू कर दूंगा। तो नेक्स्ट जो पेज है वो इस तरह से आपको नजर आएगा। तो यहाँ पर ये टैक्स और मल्टीपल सिटीजनशिप के बारे में आपसे पूछ रहा है, तो इसको आपने नो करने के बाद, टर्म एंड कंडीशन में करने के बाद इसको मैं यहाँ पर कंटिन्यू कर दूंगा। तो नेक्स्ट जो पेज है वो इसमें पर आपका जो एम्प्लॉयमेंट स्टेटस है उसके बारे में आप सारी जो डिटेल है वो यहाँ पर शो हो रही है। तो यहाँ पर वही डिटेल हमने यहाँ पर इसमें फिल कर लेनी है, जिसमें आपका जॉब डेजिग्नेशन, मंथली सैलरी, स्टार्ट डेट ऑफ कंपनी, जिस कंपनी में हम ज्वाइन हो
हुए हैं, जहाँ पर हम काम कर रहे हैं उसकी जो स्टार्टिंग डेट वो आपने यहाँ पर उसमें फिल करनी है। तो ये सारी डिटेल फिल करने के बाद इसको मैं यहाँ पर कंटिन्यू करूँगा। तो यहाँ पर आप गाइस इसमें आप अदर कर सकते हैं, ये नीचे आप इसको ऑप्शनल आप इसको छोड़ सकते हैं इसमें। तो इसको मैं यहाँ पर कंटिन्यू करूँगा। तो यहाँ पर आपने नेक्स्ट जो पेज है इसमें रेजिडेंट एड्रेस वगैरह इसमें लिखना, जिस जो जहाँ पर आप करंट रहते हैं वही एड्रेस आपने यहाँ पर फिल कर लेना है, जिसमें आपका जो सिटी है, जो आप स्ट्रीट जिसमें रहते हैं या जिस बिल्डिंग में आप रहते हैं, वो आपने डिटेल यहाँ पर आपने फिल कर लेनी है। तो मैं यहाँ पर पूरी डिटेल फिल करने के बाद इसको कंटिन्यू करूँगा। नीचे आपने यहाँ पर इसको कंटिन्यू करना है। तो ये गाइस आप देख सकते हैं हमारे जो तीन स्टेप हैं वो कंप्लीट हो चुका। अब हमने लास्ट स्टेप है वो इसको कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर ये वाला जो ऑप्शन है इसमें हमने दोनों पर टिक करना है, टर्म एंड कंडीशन इसको हमने एक्सेप्ट करना है। और नेक्स्ट जो पेज है अगर आप इसमें करंट अकाउंट चूज करना चाहते हैं या सेविंग या माइनर अकाउंट, तो मैं इसमें करंट अकाउंट ही चूज करूंगा। आप सेविंग यहाँ पर करना चाहते हैं तो सेविंग अकाउंट भी चूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसको करंट अकाउंट कर रहा हूँ। इसमें यह होता है कि हमें चेक बुक मिलती है करंट अकाउंट में, सेविंग अकाउंट में आपको चेक बुक नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर जो इन्होंने हमें एलिजिबल क्राइटेरिया जो हमें बता रहे हैं उसमें यही गोल्ड मेंबरशिप है, ठीक है, हमें इसी में इसको क्लिक करना जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है। तो गाइस आप देख सकते हैं हमारा जो अकाउंट है वो वेरीफाइड हो गया है, हमारी कस्टमर आईडी और आपका जो आईबीएम नंबर है वो भी यहाँ पर शो हो रहा होगा। तो नेक्स्ट जो फाइनल स्टेप है इसमें आपका जो वर्चुअल कार्ड है उसका जो नेम है वो यहाँ पर शो हो जाएगा, और नीचे जो करंट अकाउंट है वो भी यहाँ पर आपका वो भी शो हो जाएगा। और जस्ट हमने इसको टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है और रिक्वेस्ट कार्ड इसको हमने यहाँ पर इसको कंटिन्यू कर देना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अकाउंट जो है वो वेरीफाइड हो गया है, किसी किस्म का कोई वो इश्यू नहीं है, बिल्कुल आसानी के साथ आप इस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। तो इस अकाउंट में ये जो आप वर्चुअल कार्ड है ये इसकी कोई हार्ड कॉपी आपको नहीं मिलेगी, ठीक है, आपने जस्ट इसको सेव कर लेना है। तो अगर आपने ऑनलाइन शॉपिंग करनी है या फिर आप ऑनलाइन पेमेंट करना चाहते हैं तो आसानी के साथ आप इसकी जो है वो आसानी से आप ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं और शॉपिंग वगैरह भी आप कर सकते हैं। फ्यूचर में ये भी कार्ड लॉन्च करेंगे, लेकिन अभी आपको इसकी हार्ड कॉपी नहीं मिलेगी। अगर आपने यहाँ से कैश विदड्रॉ करनी है, कैश विदड्रॉ प्रोसेस है वो आपके पास आपकी चेक बुक होगी, आपने चेक फिल करके आपने बैंक में जाना, वहां से जाकर आपने अपनी कैश विदड्रॉ जो आप ले सकते हैं। इसके अलावा आप जो डिपॉजिट है वो आपका अकाउंट नंबर है, ये अकाउंट नंबर आपका नीचे शो हो रहा होगा जब आप इसको ओपन करेंगे। तो यही अकाउंट में आप किसी को भी देकर यहाँ पर आप डिपॉजिट वगैरह करवा सकते हैं। और अगर आप किसी फ्रेंड या दूसरे अगर आपका कोई कोलीग है या आपका कोई रिलेटिव है जिसका यहाँ यूएई में अकाउंट है, उसको भी यहाँ से आप आसानी के साथ पैसे ट्रांसफर करके वहां से भी एटीएम मशीन से भी विदड्रॉ आप ले सकते। तो ये बिल्कुल सिंपल है, आप आसानी के साथ इस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं, इसमें किसी किस्म के कोई चार्जेस नहीं है। अगर आपका मिनिमम बैलेंस जीरो है और आपकी सैलरी यहाँ पर नहीं भी आ रही तो भी इसमें किसी किस्म के चार्जेस नहीं है, बिल्कुल फ्री अकाउंट है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।